तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने तत्परता दिखाई है। मुख्यमंत्री की पिछले महीने हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सामने आए करीब 1.5 दर्जन मुद्दों पर कहा जा रहा है कि गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और सभी से रिपोर्ट तलब की गई है। आपको दिखाते हैं खबर। प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी। सीएम ने कानून व्यवस्था से जुड़े 18 अलग अलग मुद्दों पर एसपी, कलेक्टर, आईजी, संभागीय आयुक्त और आला पुलिस अफसरों के साथ ही गृह विभाग के अफसरों से संवाद किया था। करीब 4.5 घंटे चले मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी समेत कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। वीसी के बाद गृह विभाग जाकर उसने सीएम की ओर से उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई के लिए बाकायदा गृह विभाग और डीजीपी और अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। कानून के सवाल पर सीएम सख्त। गृह विभाग के संयुक्त सचिव राम निवास मेहता ने अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई कर 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी। सर्कुलर में उठाए गए मुद्दे पुलिस, गृह, विधि, आबकारी विभागों से संबंधित हैं। 38,250 गांवों में से 33,484 गांव में ग्राम रक्षक तय, बाकी 4,766 गांव में जल्द तय होंगे। डीजीपी गृह ग्रुप 1 को ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों का बेहतर उपयोग किए जाने के निर्देश। साइबर अपराध रोकने के लिए भी डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं। अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जल्द लागू करने के निर्देश हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।